Namaskar. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज हमारे मेहमान हैं भारत के सबसे सीनियर नेताओं में से एक, भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, एक ऐसे नेता जो भारत की फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, सब में बेहद लोकप्रिय हैं, जिन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। प्लीज वेलकम भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और आपकी अदालत में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आपकी अदालत में हमारे आज के जज जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में हम सवालात और इल्जामात के सिलसिला शुरू करें, आज के जज प्रदीप सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्यवाही शुरू करने के लिए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर, एक नजर डालेंगे राजनाथ सिंह जी के पॉलिटिकल करियर पर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने सरल, सहज और शालीन स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। राजनाथ सिंह 13 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुए। मिर्जापुर में संघ के कार्यकर्ता से लेकर जनसंघ ज्वाइन करने का सफर राजनाथ सिंह ने तेजी से पूरा किया। राजनाथ सिंह पिछले 50 साल से राजनीति में हैं। जनसंघ के जिला अध्यक्ष से चलकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे। मिर्जापुर के एमएलए से चलकर राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राजनाथ सिंह कैबिनेट मिनिस्टर रहे। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो राजनाथ सिंह पहले 5 वर्ष भारत के होम मिनिस्टर रहे। मोदी के दूसरे कार्यकाल में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजनीति में राजनाथ सिंह ने हर पोजीशन देखी है, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री, लेकिन राजनाथ सिंह को लेकर कभी कोई विवाद खड़े नहीं हुए। 2013 में जब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, कई अवरोधों के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया। मोदी सरकार में होम मिनिस्टर की भूमिका में राजनाथ सिंह ने इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया। अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर के रूप में राजनाथ सिंह ने हमारी तीनों सेनाओं को शक्तिशाली बनाने, आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक बनाने की दिशा में जबरदस्त काम किया है। फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट राजनाथ सिंह आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर। आपकी अदालत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर इल्जाम है कि ये अपने बारे में सीक्रेटिव रहते हैं। राजनाथ जी, आप अपने जीवन के बारे में, बचपन के बारे में, जवानी के बारे में कभी बात नहीं करते, तो मैंने सोचा आज आपकी अदालत में सारे राज खोले जाएं। वैसे हमारे लिए बहुत ही कठिन काम है ये सही है कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन क्लासेस बंक करके संघ के शिविर में जाया करते थे। मैं जाता था, जब मैं क्लास 9th में था उस समय ही मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं में मैं बराबर जाता था, नियमित रूप से जाता था। और जब आप लेक्चरर बने, टीचर बने, तो बहुत सख्त टीचर थे आप? नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो क्लास होता था उस समय, जो बच्चे प्रायः क्लासेस में नहीं आते थे, वो भी जो हमारी क्लास होती थी तो एकदम बिल्कुल पूरा रूम खचाखच भर जाता था स्टूडेंट्स के द्वारा। यह तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये भी सही है कि आप आईएएस बनना चाहते थे? कभी नहीं।
मैं आईएएस नहीं बनना चाहता था, बल्कि मेरे मन में इच्छा भी पैदा हुई तो आर्मी में जाने की इच्छा पैदा हुई थी। मैंने उस समय एक एग्ज़ाम भी दिया था एनडीए का, लेकिन यूँ ही मैंने एग्ज़ाम दिया उसी समय हमारे फादर की डेथ हो गई थी, वहीं पर छूट गई चीज़ क्योंकि आगे मैं प्रोसीड नहीं कर सका। और फिर उसके बाद एम एस सी किया और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीटी चांडी हुआ करते थे, वो मुझे बेहद प्यार करते थे क्योंकि मैं आंदोलन भी करता था लेकिन कभी भी परीक्षा को स्थगित करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर मैंने कभी कोई दबाव नहीं डाला कभी, इसलिए मुझे बहुत बेहद पसंद करते थे। मैं फर्स्ट डिविजनर था ही उस समय। उन्होंने ही कहा एम एस सी करने के बाद कि बेटा तुम यहाँ मत रहो विश्वविद्यालय में, क्योंकि मैं आंदोलन वगैरह भी बहुत ज़्यादा करता था। तो मैंने अप्लाई किया, फिर के बी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैं फिजिक्स का लेक्चरर हो गया। लेकिन ये कोई नहीं सोच सकता था कि जो नौजवान एक ज़माने में फौज में जाना चाहता था वो भारत का रक्षा मंत्री बन जाएगा। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा होगा। ये सही है कि जब इमरजेंसी लगी उस समय आप बड़े नेता बन चुके थे। उस समय मैं लेक्चरर था, 21 ईयर की एज में, 21 साल की उम्र में मैं फिजिक्स का लेक्चरर बन गया था। और थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं एक्टिव था, बहुत मजदूरों के आंदोलन में मैं भाग लेता था और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हमारी बड़ी सक्रिय भूमिका उस समय रहती थी। और एकाएक सारी पॉलिटिकल पार्टी ने जिले के मिलकर मुझे जेपी मूवमेंट जो प्रारंभ हुआ था उसका कन्वीनर बना दिया था, जबकि मैं सबसे यंग था, जितने लोग थे लीडरशिप में सबसे यंग था, लेकिन लोगों ने जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी। और उसके बाद मूवमेंट प्रारंभ हुआ, मैं 18 महीने तक मैं जेल में रहा, लगभग 17.5 महीने या 18 महीने तक मैं उस आयु में जेल में था, लगभग 23 वर्ष की उम्र थी। पकड़े कैसे गए? मैं हमारी नई नई शादी हुई थी, घर पर था मैं उस समय और उस दिन हमारी श्रीमती जी ने हमारे लिए सूजी का हलवा बनाया था, तो मैं एक्सरसाइज भी करता था उस समय भी। मैं बचपन से ही मैं एक्सरसाइज करता रहा हूँ, उस समय भी मैं एक्सरसाइज करता था। तो छत पर एक्सरसाइज करने के बाद मैं नीचे आया था और उसके बाद स्नान करने के बाद जो ही मैं कपड़ा पहनने जा रहा था, तब तक नीचे से हमारे जो हमारे यहाँ काम करता था हमारा सेवक जो था उसने आकर कहा साहब नीचे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आई हुई हैं और मिस्टर उपाध्याय उस समय इंस्पेक्टर हुआ करते थे कोतवाली के, वो भी हैं, डिप्टी एसपी भी हैं और वो आपको पूछ रहे हैं। तब मैं समझ गया कि मेरी अरेस्ट के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि उन लोगों को बुला लो ऊपर जो डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर हैं, उन लोगों को बैठा लो, कह दो मैं स्नान कर रहा हूँ, नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ तो मैं चलूँगा। तो लोग बैठे रहे तो फिर मैं बुलाया, मैंने कहा आप लोग भी नाश्ता कर लो। तो नाश्ता वास्ता करके फिर हम लोग गए थाने, ले गए थाने, ले गए फिर बहुत सम्मान के साथ लंच वगैरह भी कराया उन्होंने। और फिर रात को लगभग 11 बजे मुझे वहाँ की डिस्ट्रिक्ट जेल थी वहाँ भेज दिया गया। और फिर मुझे लगभग 200-250 अन्य लोग जो पहले से गिरफ्तार हुए थे वो एक कंपाउंड में थे, एक घेरे में थे। और मुझे उस समय सॉलिटरी सेल, तन्हाई जो है, दी गई। हमारे साथ एक आसाराम यादव जी भी थे, लाल जी थे, उनको अलग कमरे में और मुझे अलग कमरे में। तो लगभग जहाँ तक मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 2.5 महीने या 2 महीने के आसपास मैं तन्हाई में रहा, सॉलिटरी सेल में रहा। और अब नई नई शादी हुई थी, तन्हाई में रहे तो पत्नी को तो पत्नी नाराज नहीं हुई? नहीं, पत्नी नाराज क्यों होगी, पत्नी पहले से ही स्वाभिमानी रही हैं। पत्नी को लेकर मुझे जिंदगी में कभी शिकायत नहीं रही, बल्कि पत्नी के प्रति पूछा जाए तो मेरे मन के अंदर बराबर सम्मान रहा है। मैंने आपकी बायोग्राफी में पढ़ा कि जब पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तो आपकी माँ भी वहाँ आई थी। नहीं नहीं, उस समय की बात नहीं है, यह है कि जब मैं तन्हाई में था उसके बाद यह हुआ कि इनको इस जेल में मत रखो, इनको सेंट्रल जेल नैनी भेज दो, क्योंकि उधर से 250 लोग नारा लगाते थे, इधर से मैं भी नारा अकेले लगाता था।
गवर्नमेंट के खिलाफ, या मैं इधर से बोलता था 250 लोग जो दूसरे कंपाउंड में थे वो लोग नारे लगाते थे। और तो फिर अथॉरिटीज ने तय किया कि इनको यहाँ मत रखो, नहीं बहुत नारेबाजी कराएंगे, इनको सेंट्रल जेल नहीं नहीं इलाहाबाद में। तो जब मैं ले जाया जा रहा था तब रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी फोर्स लगी हुई थी, तो हमारी माँ, हमारी पत्नी और भी अगल बगल की सब सारी जितनी सारी औरतें आई हुई थी, तो मेरी माँ भी थी उसमें। तो उसने देखा तो मुझे पुलिस से घिरा हुआ, तो उसने कहा बेटा चाहे जो कुछ जाए क्षमा मत मांगना, माफी मत मांगना, भले ही सारी जिंदगी जेल में गुजर जाए मैं स्वीकार कर लूँगी। बहुत गजब का सवाल पूछ दिया आपने, कठिन होता है हमारे लिए उस समय, लेकिन क्योंकि आपका जाना तो था, लेकिन जो परिवार की हालत थी वो वाकई में नहीं। हमारी पत्नी फिर हमारे ससुराल चली गई अपने घर से, और वहाँ पर एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई थोड़े समय के लिए, पॉलिटिकल साइंस की। और इमरजेंसी का एक साल पूरा हुआ तो सामान्यतः एक धारणा थी कि एक साल के बाद लोग जेल से छूट जाएंगे, लेकिन तब तक हमारे एक चचेरे भाई थे, आज भी हैं, गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, उनसे मेरी माँ ने पूछा कि श्री विजय सिंह नाम है उनका, तो उनसे पूछा कि अब तो एक साल हो गया, अब तो राजनाथ तो आ ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, दादी दादी कहते थे, दादी अब एक साल के लिए और एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, तो उसको ही ब्रेन हेमरेज हो गया। और मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्या बीती होगी आपके दिल पे। तो हॉस्पिटल में रहिए 27-28 दिन बाद डेथ हो गई। जब इमरजेंसी खत्म हुई वापस आए तो वो राजनीति में पहला कदम था आपका? पहला कदम क्या कहें, मैं आकर एक 3 कमरे का किराए का मकान था जिसमें कि हम लोग रहते थे पति पत्नी, और मैं सुबह शाम को रात को आया था छूट कर, सुबह में पैंट शर्ट अपना वो सब जो पुलोवर वगैरह था वो अपना पहन के मैं चाय पी रहा था, एक बंगाली परिवार था वही चाय वगैरह दे जाते थे, कमरे भी गंदे होते थे। तो उसी समय हमारे एक जनसंघ के एक नेता हुआ करते थे बुजुर्ग, उनका नाम था स्वर्गीय केदार साव, उन्होंने आकर कहा कि टेलीफोन मेरे पास आया है वाराणसी से, वहाँ और वाराणसी दिल्ली से टेलीफोन आया है कि आपको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है और आपको इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको 2 दिन के बाद नर्सों का हूँ ना नर्सों आपको पर्चा भरना है, ये वहाँ से आदेश आया। मैं गया, अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए क्योंकि उस समय उम्र भी हमारी 25.5 साल की आसपास रही होगी। फिर मैं गया धूमधड़ाका के साथ जो है पर्चा दाखिल वकील हुआ, अथॉरिटी लेटर मिला, सब कुछ मिला, लेकिन फिर से उसी बीच जिस दिन हमको मजिस्ट्रेट ने सिंबल देने के लिए बुलाया, ये हम सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारे एडवोकेट्स भी थे हमारे, मुरलीधर पांडे और रामाचार्य जी पांडे, ये पूर्व विधायक थे जनसंघ के हुआ करते, तो वो लोग भी साथ में थे। तब तक एक व्यक्ति टेलीग्राम लेकर आ गया, यो ही मजिस्ट्रेट मुझे सिंबल देने जा रहा था, तो उसने कहा सॉरी मिस्टर सिंह, मैं थोड़ी देर के बाद मैं कलेक्टर साहब से मिलकर आता हूँ, तब आप मैं देखता हूँ। तो चले गए, लौट के आए तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह आपके अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन आर्डर और फकीर अली अंसारी का अथॉरिटी लेटर आ गया और आपका टिकट कट गया। बहुत उत्तेजना हुई लोगों में, लेकिन उस समय भी परमात्मा ने मुझे बहुत संयम दिया और मैंने देखा कि कहीं कुछ झगड़े न हो जाए वहाँ। तो एक माइक थी वहाँ पर, माइक लेकर मैंने फिर वहाँ से अपील की, फकीर अली अंसारी जहाँ भी हों, भदोही के रहने वाले थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, मैंने कहा फकीर अली अंसारी जहाँ भी हों आएँ अपना सिंबल लें। और वहीं पर कुछ बोलते बालते मैंने ये भी घोषणा कर दी कि चूँकि 3 बजे का समय समाप्त हो चुका है और अब मैं विड्रॉ भी नहीं कर सकता, अब मजिस्ट्रेट मुझे कंपेल कर रहे थे कि आप अपनी चॉइस का कोई सिंबल ले लीजिए, मैंने कहा मेरी कोई चॉइस नहीं है, लेकिन मैंने जनता से अपील की कि मैं सबसे ये अपील करूँगा कि मेरा नाम तो मतदान पत्र पर रहेगा, लेकिन यदि किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगाई तो मैं समझूंगा कि
मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा रहा है। सभी को फकीर अली अंसारी को सपोर्ट करना चाहिए। तो उसका परिणाम यह हुआ कि बराबर फकीर अली अंसारी जहाँ भी हमको बराबर साथ लेकर ही जाते थे पूरे चुनाव के समय। चौधरी चरण सिंह की भी मीटिंग थी, चौधरी चरण सिंह की मीटिंग में उस समय मीटिंग मुझसे प्रसारित कराई गई, बहुत क्राउड थी, हैवी 50,000, 60,000, 70,000 उस समय भीड़ होती थी। तो उस समय भी मैंने वही सेंटेंस बोला कि मेरा नाम तो मतदान पत्र पर रहेगा, लेकिन किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगाई तो मैं समझूंगा कि मस्तक पर। लेकिन नॉर्मली किसी का टिकट कट के किसी को लास्ट मिनट पर दे दे तो गुस्सा आता है, आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, अच्छा तो नहीं लगा, ये तो बात सच है, अच्छा नहीं लगा, जो कि थोड़ा सेंसिटिव भी बचपन से ही रहा हूँ तो। लेकिन परमात्मा ने सद्बुद्धि दी मुझे, ईश्वर की कृपा है और कुछ नहीं कहूँगा, ईश्वर की कृपा है कि ये। तो फिर पहली बार MLA कब बने? 77 में, वो भी चौधरी चरण सिंह जी ने ही मुझे सिंबल दिलवाया जनसंघ से, क्योंकि उनकी मीटिंग जो मैंने प्रेसाइड किया था 3-4 मिनट में बोला था, लेकिन वहाँ से टेक ऑफ करने के बाद जब वो लखनऊ गए तो वहाँ पर पंडित माधवाचार्य त्रिपाठी, रविन्द्र किशोर जी शाही हमारे लीडर हुआ करते थे उस समय, उन लोगों से कहा कि ऐ जनसंघियों, एक टिकट हमारी तरफ से उस लड़के राजनाथ को देना है। लेकिन जो यहाँ से 4 महीने के बाद जब असेंबली का इलेक्शन हुआ जो नाम गया था, आसाराम जी यादव सिटिंग MLA थे तो उनका नाम गया था, लेकिन जब दिल्ली आया तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि एक टिकट क्या जनसंघ के लोग हमको नहीं दे सकते, तो उन्होंने उनका नाम काट कर मेरा नाम लिख दिया, मैं MLA बन गया। लेकिन आपके बारे में रिसर्च करते करते ये भी पता चला कि आपने भी एक किसी का नाम काटा था। कहाँ पर? जब आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आपने अपने बेटे का टिकट काट दिया था। ओ, ऐसा हुआ 2007 में विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश का, तो श्री कल्याण सिंह जी आज भी हैं हमारे बड़े हैं हमसे आदरणीय, कल्ला जी मिश्र हमारे गवर्नर हैं इस समय राजस्थान के, ये सब लोग वाराणसी के एक विधानसभा क्षेत्र से हमारे बेटे पंकज का नाम लेकर आए थे। तो मैं इलेक्शन कमेटी को चेयर मैं ही कर रहा था क्योंकि मैं अध्यक्ष था उस समय पार्टी का, अटल जी अडवाणी जी दोनों लोग हमारे अगल बगल बैठे थे, तो मैंने रिफ्यूज कर दिया, मैंने कहा कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट नहीं दूंगा मैं। तो अटल जी जिस प्रकार का स्वभाव था उन्होंने कहा कि हमारा डिसेंट नोट कर लिया जाए इलेक्शन कमेटी, मैं सहमत नहीं हूँ इससे। तो अडवाणी जी भी बोल दिए, सब ने कह दिया कि सहमत, और अनंत कुमार जिनकी अभी स्वर्गवास हो गया अपने कोलीग थे, वो सेक्रेटरी थे हमारे इलेक्शन कमेटी, उनको कह दिया जाओ घोषणा कर दो, उन्होंने घोषणा कर दी। तो जैसे शाम को घर में गया, घर तो पंकज आए पैर छूने तो मैंने आशीर्वाद नहीं दिया, बहुत दुखी हुए, अपनी माँ से जाकर कहा, तो माँ आई उनकी हमसे भिड़ गई। मैंने कहा कि अपने बेटे को अपने हाथ से मैं सिंबल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए सभी समान है। तब पंकज उसके बाद आए, पंकज ने बहुत संयम से काम लिया, मैं पंकज की तारीफ करता हूँ, बहुत धैर्य से काम लिया उन्होंने, कहा पापा आप नहीं चाहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आंखों में आंसू थे लेकिन कहा उन्होंने कि आप नहीं चाहेंगे। नॉर्मली पिता बड़ा नेता हो तो बेटे को फायदा होता है, आपने तो नुकसान कर दिया उनका। नहीं, अपने अपने हाथ से बिल्कुल, मैं टिकट अपने बेटे को अध्यक्ष रहते अपने हाथ से उस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता हूँ, इतना है हमारा। ये तो बाद में, आप तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उस समय अध्यक्ष हमारे आज के जो गृहमंत्री हैं अमित शाह जी हुआ करते थे, वो लोग भी मेरी बात सुन रहे होंगे, किसी से आज तक जीवन में मैंने कभी नहीं कहा, इन लोगों ने स्वयं ही फैसला लिया, मैंने कहने कभी नहीं कहा, मैं तो सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ। मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने तो आपके जो छोटे बेटे हैं नीरज, उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया अभी पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा मोदी के विकसित भारत संकल्प के नंबर वन एम्बेसडर हैं नीरज सिंह। है, क्या करें सब... आप उनकी भी कभी तारीफ नहीं करते, कभी बात नहीं करते। नहीं नहीं, अपना बेटा किसी को खराब तो लगता नहीं। अच्छा है, वो भी एक्टिव रहते हैं सोशल पॉलिटिकल, काफी तारीफ मोदी जी ने उनकी की, उनके काम की, एक हफ्ते में उन्होंने 50,000 एम्बेसडर बना दिए विकसित भारत के। हाँ, मैंने भी सुना बना दिया।
आप कुछ नहीं करते परिवार के लिए, उसके बावजूद राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया परिवारवाद के बारे में, वंशवाद के बारे में, तो उन्होंने उस पत्रकार को डांटा, उससे कहा कि आप अमित शाह से पूछो उनके बेटे क्या करते हैं, राजनाथ सिंह से पूछो वो अपने बेटे के लिए क्या करते हैं। मैं बहुत दो टूक शब्दों में कहना चाहूँगा रजत जी कि राजनीति यदि जीवन में मैंने की है, चाहे किसी ने जो पीठ पीछे कोई भगवान राम नहीं बचे तो मैं कैसे बचूंगा, लेकिन किसी के आंखों में धूल झोंक कर मैंने कभी राजनीति नहीं की है। जब भी राजनीति की है तो लोगों की आंख में आंख डालकर राजनीति की है, पीठ पीछे कोई ना बात करे, जिसको बात करनी हो सामने आके बात करे। देखिए सब जानते हैं कि जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आपने बड़े लोगों के विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी जी का नाम डिक्लेयर किया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये आपने किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया मैं अध्यक्ष था, मुझे लगा। क्यों लगा? और नहीं, मुझे लगा कि जनता में यदि किसी का नाम उस समय भी जो बहुत अधिक तो नहीं लेकिन चर्चा में जो आता था, हम जो दो तीन चार लोग थे, मुझे लगा कि मोदी जी के अंदर वह क्षमता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी गुजरात के अंदर सरकार चलाई और लगातार सरकार तीन बार बनाई थी, मुझे लगा था कि इस देश को सही नेतृत्व यदि कोई दे सकता है तो मोदी जी ही दे सकते हैं। इसलिए मैंने उनके नाम की जो है घोषणा की थी। उस समय आपको कल्पना थी कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी वर्ल्ड मैप पर होंगे, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स में इनका नाम होगा, भारत में इतनी लोकप्रियता होगी, इतनी शक्ति होगी? मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं उनसे पूछिएगा, शायद मोदी जी को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी, उनसे पूछिएगा हमारी क्या धारणा थी उनके बारे में। मुझे लगता था कि उनके अंदर वो क्षमता है, वो प्रतिभा है, वह योग्यता है और वह सामर्थ्य है, शक्ति है कि देश को सही नेतृत्व दे सकते हैं और देश का कद भी इनके रहते हुए दुनिया में बढ़ेगा। मेरे एक ऐसा मन के अंदर बात थी, मैं कह सकता हूं कि जो उस समय हमारे दिमाग में बात थी वो सही उतरी। और आप तो हमारे साथ एक दो लोग जो रहते हैं हमारे अंतरंग, उनको तो आप भी जानते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए मैं सही है कि गलत है। और मैंने तो गोवा में ही जिस समय इलेक्शन मैनेजमेंट के कमेटी के वो चेयरमैन जब घोषित हुए थे तो उसके बाद ही, चूंकि मैं अध्यक्ष था, अरुण जेटली जी उस समय संचालन कर रहे थे उस कार्यक्रम का, कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी मीटिंग थी, लगभग 5-6 हज़ार 8 हज़ार कार्यकर्ता रहे होंगे उसमें, तो पहले मोदी जी को बोलने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। स्वाभाविक है कि अध्यक्ष बाद में बोलता है, तो मैंने मोदी जी को कहा कि नहीं आप बैठिए, और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा ऑडियंस से कि मैं जानता हूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे बाद में बोलना चाहिए, लेकिन आज देश किसी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं सुनना चाहता, बल्कि देश इस भविष्य के अपने नेता को सुनना चाहता है, इसलिए मैं खड़ा हो गया और हमारे बाद मोदी जी बोलेंगे। एक ब्रेक के लुक में, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राजनाथ सिंह पर इल्जाम और सवाल आपका एक होता है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्शन से पहले भेज दिया। बड़े से बड़े लोग जो है मोदी जी को चैलेंज नहीं कर पाए, ये क्या करेंगे। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा। मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं, ये सिर्फ स्मार्ट नहीं एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया, मेरी मार्वल चाय हर लम्हा नया हो जाए।
माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार, क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की हर रोज दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए। मार्वल चाय हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, 100 इयर्स ऑफ ट्रस्ट। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले एसोसिएट स्पॉन्सर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। देश में आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। बहुत हुए वादे, बहुत हुए दावे, परखेंगे इरादे। 543 सीट, हर एंगल, हर इनसाइड, हर चोटो। किसकी जीत, किसकी हार, 4 जून अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए। मार्वल चाय हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, 100 इयर्स ऑफ ट्रस्ट। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले एसोसिएट स्पॉन्सर, सिग्नेचर फाइन। वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हमारे मेहमान हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर आरोप है कि इनकी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया। राजनाथ जी, जब से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हम लोगों ने तो जेल भेजा नहीं है। आपने देखा होगा कि कोर्ट वो गए थे और कोर्ट ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं दी, बल्कि शायद यहां तक मेरी जानकारी है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं ईडी वगैरह, उनको बुलाकर साथ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे थे। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम ऐसी सूरत में हम बेल नहीं देंगे। लेकिन उनकी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जुल्म किया है। नहीं तो ये हम लोगों से क्यों सवाल पूछा जाना चाहिए? भाई आपकी सरकार है। नहीं, हम लोगों ने जेल नहीं भेजा है। उनके खिलाफ तो जो इंक्वायरी चल रही थी, जो ईडी इंक्वायरी कर रही थी, उन्हें चार्जेस फ्रेम किए। और जहां तक मेरी जानकारी है, उसके पहले 9 संबंध भी भेजे गए थे कि आप अपना समय दीजिए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या तथ्य हैं, क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने समय ही नहीं दिया। वो स्वयं ही कोर्ट गए थे, हम लोग भी कोर्ट नहीं गए थे। अब समय नहीं दिया तो उनको उठा के ले गए। नहीं, उठा के ले गए, हम लोगों ने नहीं भेजा। अदालत ने ही उनको रिलीफ नहीं दी। अभिषेक मनु सिंघवी तो बहुत बड़े वकील हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, आप जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रिलीफ दे दीजिए, उन्हें जेल से छोड़ दीजिए, वरना जिस दिन चुनाव हो रहा होगा, आखिरी दिन वोट डाला जा रहा होगा, तो सारे के सारे विरोधी दलों के नेता जेल में होंगे। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने कहा। अब देखिए क्या होता है 2 महीने। और मैं समझता हूं कि इस अपराध बोध से वह क्यों ग्रसित हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो भी जेल चले जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जेल नहीं भेजा इनको। मोदी जी ने जेल भेज दिया होगा,
और किसी ने जेल भेज दिया होगा, ऐसा नहीं हुआ है। ईडी ने उनसे कुछ क्वेरीज करनी चाहिए, उनसे कुछ सवाल पूछने थे, सम्मन दिया कि आइए बैठिए आपके साथ हम बात करना चाहते हैं, 9 बार समय नहीं दिया। फिर वो कोर्ट में गए कि कोई इनको रिलीफ मिल जाए, हमको जेल ना जाना पड़े। अब कोर्ट ने ही रिलीफ नहीं दी, आप ये कहेंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर बिल्डअप कर दिया। नहीं, वो कहते हैं कि ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्शन से पहले भेज दिया। अरे क्या बड़े से बड़े लोग जो है मोदी जी को चैलेंज नहीं कर पाए, ये क्या करेंगे। एक और चैलेंजर है मोदी जी के, राहुल गांधी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद ट्विटर पर लिखा, डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। ऐसे अपशब्दों का प्रयोग प्राइम मिनिस्टर के लिए यही लोग कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, जीवन में मैंने किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, भले ही वो कोई कांग्रेस का ही प्राइम मिनिस्टर क्यों ना रहा हो, मैंने कभी भी किसी की इस प्रकार की आलोचना नहीं की है। क्यों? मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री स्वयं एक संस्था है, तो बहुत अपशब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री इस संस्था के बारे में नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति जैसी संस्था है, उसके बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, आप कहिए कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने सही किया, यह न करते तो ज़्यादा अच्छा था, वो करते तो ज़्यादा, यह सब सारी बातें आप कह सकते हैं। लेकिन एक प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग जिस तरीके से किया गया है, इसको मैं कंडेम करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। लेकिन चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, आपको नहीं लगता इसका चुनाव में नुकसान होगा बीजेपी को? अरे बाबा, हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। आप ये क्यों कह रहे हैं रजत जी, क्यों गिरफ्तार करना? इसलिए राजनाथ जी के केस तो इन्वेस्टिगेटिंग किया, केस तो सीबीआई ने किया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये बहुत पहले से जो है सारे मामले की छानबीन कर रही थी। कुछ लोग साल डेढ़ साल पहले इसी मामले में जेल जा चुके हैं, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था, उसमें वो जेल गए। अब चुनाव आ गया इसलिए पकड़ लो भाई, देश जानता है, बाहर ही रहते तो क्या कर लेते। अच्छा, 2014 में भी बाहर थे, 2019 में भी बाहर थे, लेकिन तो वो अलग की बात है। राजनाथ जी अकेले नहीं ना, आपने लेकिन मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो अब केजरीवाल के बारे में जो भी कोर्ट का जजमेंट होगा होगा, उसको हम सभी स्वीकार करेंगे। उसके लिए हम लोगों के ऊपर ये उंगली उठाना, हम लोगों को दोषारोपित करना, ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों के साथ ये इंसाफ नहीं होगा। वो तो खुद जब जेल से बाहर थे वो कहते थे कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, वो दिल्ली के लोगों को अच्छी एजुकेशन दे रहा था, इसलिए मोदी जी ने उसे जेल में डाल दिया। क्या बात है। फिर सत्यन जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को, सारी पार्टी उनकी जेल में है। भारत की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि बहुत सारे नेताओं के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन, कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के राजनेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता गया और एक गहरा विश्वसनीयता का संकट इस देश की राजनीति पर पैदा हुआ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। हम जो कहते हैं, हम जो कहते हैं वह करते हैं। कोई यह बतला दे कि आपने यह कहा है और यह नहीं किया है। मोदी जी ने घोषणा पत्रों में जो भी बात कही, 2014 में मैं ही पार्टी का प्रेसिडेंट था, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, मोदी जी बार बार मुझसे कहते थे कि अध्यक्ष जी ये देख लीजिएगा कि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज न रहे जिसे हम गवर्नमेंट बनने के बाद ना पूरा कर पाए। तो आपने मैनिफेस्टो में थोड़ी लिखा था कि चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री भी जेल में होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल में होंगे। इसीलिए तो मैंने कहा ना, हम लोगों ने लिखा नहीं था, हम लोगों ने लिखा नहीं था इसलिए, और ये हम लोगों का काम भी नहीं है। और झारखंड तो आपके ससुराल है, वहां से खबर आती होगी कि क्या हो रहा है। नहीं,
ये सब तो एजेंसी अपना अपना काम कर रही है, और यदि कहीं गलत होगा कुछ तो एजेंसी यदि गलत कर रही है, मैं बताता हूँ तो क्यों, राजा जी क्यों ये इंप्रेशन क्रिएट होता है। जो फिगर्स आई हैं ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा ईडी ने पिछले 10 साल में 347 प्रमुख राजनेताओं की जाँच की जिनमें से 85% विपक्षी दलों के नेता थे। ये तो सारा करप्शन विपक्षी दलों में ही मिलता है। मुझे लगता है कि इसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए लोगों को स्वयं जिनके ऊपर आरोप लगे क्यों ऐसा होता है। और आरोप तो ये लगता है कि अगर वो बीजेपी में आ जाएं तो फिर चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं। नहीं, कोर्ट अदालत अपना काम करती रहेगी, चाहे कोई इधर रहे चाहे उधर रहे अथवा कहीं भी रहे। आप कह रहे हैं कि जो लोग चाहे वो अजीत पवार हो चाहे वो अशोक चव्हाण हो उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो चलते रहे, जो हो अदालत जो अपना काम कर रही है करती रहेगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो अपना काम करना वो अपना काम करेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो करती हैं उसका असर राजनीति पर पड़ सकता है ना। अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा कि केजरीवाल को सिंपैथी मिलेगी पब्लिक की। जो गलत करेगा उसके पॉलिटिकल करियर पर उसका एडवर्स इंपैक्ट तो होगा ही होगा। आपकी पार्टी कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो रिलीज किया, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया गलती करेगा तो उसको जेल में भेज दो, मैं जल्द गलती करूं मैं करप्शन करूं तो मुझे जेल में भेज देना। तब तो चले तो है जनता में। अच्छा सर, दिल्ली में भाजपा चुनाव तो जीत नहीं पाती, तो क्या ये दूसरा तरीका है सत्ता पे कब्जा करने का कि मुख्यमंत्री को अंदर ही कर दो? तो सरकार ने किया हो तब तो ये आपका सवाल में इसका जवाब मैं दे देता। सरकार के कहने पर हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 1.5 साल 2 साल 2.5 साल से यह काम कर रही थी। कुछ लोग इन्हीं आरोपों के तहत जेल के अंदर जा चुके थे जी। राजा जी आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार आने के बाद पिछले 10 साल में ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई है? नहीं, हमारे यहाँ कौन सी ऐसी एजेंसी है जो एक्टिव नहीं है? कौन सी ऐसी हमारे मंत्रालय है जो इस समय पहले के कंपैरिजन में एक्टिव नहीं है? सभी एक्टिव हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर भी एक्टिव हैं, सारे मिनिस्टर्स भी एक्टिव हैं। तभी ना आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर इतनी तेजी के साथ बढ़ा है। और मैं कह सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत है। यह आपकी बात सही है कि प्रधानमंत्री एक्टिव हैं, एजेंसीज एक्टिव हैं। अब ये कांग्रेस की शिकायत है कि इनकम टैक्स भी जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ का सभी को सक्रियता के साथ अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। इनएक्टिव किसी को नहीं रहना चाहिए, सबको एक्टिव रहना चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, सबको एक्टिव रहना चाहिए। अब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना। इनकम टैक्स की वजह से कांग्रेस की क्या हालत हो गई इसका बयान राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, हमारे पास रेल का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, हमारे पास पोस्टर छपाने के पैसे नहीं है, मैं तो किसी को 2 रुपए भी नहीं दे सकता। ऐसा आप लोग मानते हैं क्या? देखिए जनता ही नहीं मानती कि उनके पास 2 रुपये भी नहीं है, नहीं दे सकते। चुनाव आने वाला है, चुनाव के मौके पे एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी तो है ही है, उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दें। भाई हम मान, यदि कोई आरोप लगाता है कि आपने फ्रीज कर दिया, मान लीजिए फ्रीज हो गया, किसी एजेंसी ने फ्रीज कर दिया, तो आप कोर्ट जाते क्यों नहीं है? लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्यों नहीं जाते आप? जाते हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिलता, क्या करें? तो उसके लिए मैं क्या करूं, हमारी गवर्नमेंट क्या करे, मोदी जी क्या करें? देखिए जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं दूसरी पार्टियों के, उनसे जब मैं बात करता हूं वो कहते हैं कि मोदी जी बहुत सख्त हैं, अमित शाह बहुत सख्त हैं, लेकिन राजनाथ बड़े दयावान हैं, वो भी नहीं दया करते। दयालु सभी हैं, हमारे दयालु सभी हैं। दूसरी चीज देखिए, यह करप्शन का जहां तक सवाल है, कहने को चाहे कोई कुछ भी कह ले, 10 वर्ष हो गए मोदी जी की लीडरशिप पे इस गवर्नमेंट के चलते हुए, कोई भी अपोजिशन का भी कोई व्यक्ति उंगली उठाकर किसी एक मिनिस्टर के ऊपर भी आरोप नहीं लगा सका करप्शन का,
यह है हमारी गवर्नमेंट। और आपने कांग्रेस की गवर्नमेंट्स को भी पहले देखा होगा, कई आरोप, शायद ही कोई ऐसी गवर्नमेंट रही हो कांग्रेस की जिस पर कि कोई आरोप न लगे हो, यहां तक इतने गंभीर आरोप जिसमें कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। क्यों नहीं बचा लिया अपने मंत्री को, और हमको कह रहे हैं कि नहीं आप इनको आप बचाइए। कोर्ट तो बैठी है, कोर्ट ने सजा दी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट रहने के बावजूद उनकी गवर्नमेंट के मंत्रियों को सजा दी थी कोर्ट ने। आज कोर्ट, यदि हमने एजेंसी ने कोई गलत काम किया है तो कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकती है, भीतर करने वाले को बिहाइंड बार कर सकती है कोर्ट, कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है। यही राहुल जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत कर रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, ना मीडिया कुछ कर रहा है, ना कोर्ट कुछ कर रही है, सब तमाशा देख रहे हैं। बतलाइए, अब कोर्ट के ऊपर भी, कोर्ट को कहा है, कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा ये कहने पर। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी, यदि ये कहा होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अगर मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीते तो फिर देश में संविधान खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा कभी चुनाव नहीं होंगे, हमेशा मोदी जी रहेंगे। जो संविधान के प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस से हटकर दूर जाकर हम लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया है, एक भी तो बतलाएं। वो सब विरोधी दलों के नेता कहते हैं सरकार सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है अपने विरोधियों को डराने के लिए। सरासर गलत है, ठीक ही नहीं है, पूरी तरह से निराधार है। भाई आप जाइए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, जनता में जाइए, जनता का समर्थन हासिल करिए, जनता का विश्वास हासिल करिए। आप वो काम कर नहीं पा रहे हैं, जनता का विश्वास आप हासिल कर नहीं पा रहे हैं, और अपनी कमी को छिपाने के लिए सत्ताधारी दल के ऊपर अनर्गल आरोप चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के पास जाते हैं, वो कहते हैं जनता में वोट देती है, लेकिन ईवीएम में वो वोट बीजेपी को आ जाता है। जिन राज्यों में वो चुनाव जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक रहती है, और जिन राज्यों में हार जाते हैं वहां ईवीएम गड़बड़ हो जाती है। बताइए क्या करें इसके लिए, आप ही फैसला करिए, आप ही उनको क्यों बताइए करें तो क्या करें, इतनी कमजोर हो गई ऑपोजिशन, देश में एक मजबूत विपक्ष तो चाहिए। नहीं, उनको समझाने की क्षमता हमारे पास नहीं है। तो यहां एक और ब्रेक के रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राजनाथ सिंह पर अगला इल्जाम। जब आप जाते हैं उत्तर प्रदेश में, लोगों से मिलते हैं, वहां से आपको ये आइडिया मिलता है, क्या कहते हैं लोग? सब मोदी 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 कहते हैं, और कुछ नहीं। इस समय की हालत तो यही है। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। जिंदगी स्वाद है, स्वाद ही जिंदगी, जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। ना लड़ते हैं, ना लड़ाते हैं किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ पहुंचाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं, पूरी तस्वीर तहस नहस है। अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका वो टारगेट किया गया, हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते दबाए, हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इलेक्शन की हर हलचल का पूरा राउंडअप, चुनाव 360 शाम 7:20 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, 100 इयर्स ऑफ ट्रस्ट। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले एसोसिएट स्पॉन्सर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। 2024 का सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ी टक्कर, कुरुक्षेत्र 2024 शाम 6:00 इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए।
co-powered by Berger Paints, 100 years of trust, Ashok Masale, Swad Hi Zindagi Hai, Ashok Masale, associate sponsor, signature finest silver elaichi, a premium product from Dilbagh. निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर इल्जाम है कि ये विरोधी दलों को डराते हैं। राजनाथ जी, चुनाव आ रहा है, मोदी जी कहते हैं 400 पार, अमित शाह कहते हैं 400 पार, आप कहते हैं 400 पार, तो डरा रहे हैं विरोधी दलों को कह के तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी अब? नहीं नहीं, हम जनता का जैसा, जनता के बीच जैसा माहौल है उसे देखते हुए हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। और हम लोगों का जो असेसमेंट है और जनता का, और असेसमेंट निराधार नहीं है, जनता के मूड को देखते हुए हमारा ये असेसमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। राजनाथ जी, चुनाव हुए नहीं, वोट डले नहीं, और बता दिया कि अनुमान, मैंने कहा ना हमारा विश्वास है, और मुझे विश्वास है कि जनता हमारे विश्वास को टूटने नहीं देगी। अब तक नहीं टूटने दिया है, तो आगे कैसे जनता टूटने देगी। इस विश्वास के बारे में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि ये हर रोज 400 सीट का दम भरने वाली अहंकारी बीजेपी असल में आने वाले चुनाव परिणाम से डरी हुई है, इसलिए इतने ज्यादा जोर से बोले। नहीं नहीं, मैं विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष जी से कि हम लोगों का यह संकल्प है, और जनता के प्यार और जनता के समर्थन को देखते हुए कि हम निश्चित रूप से हमारी एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। विनम्रतापूर्वक मैं कह रहा हूँ, दम्भ के साथ नहीं बोल रहा हूँ। आप तो पूरे देश में घूमते हैं, तो जनता समझना चाहते हैं कहाँ से आएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, अब इसमें 62 सीटें तो पिछली बार जीते थी, अब इससे ज़्यादा क्या सीटें जीते? इस बार 78 जीतेंगे। अब इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 80 भी हो सकती है। जब आप जाते हैं उत्तर प्रदेश में, लोगों से मिलते हैं, वहां से आपको ये आइडिया मिलता है, क्या कहते हैं लोग? सब मोदी 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 कहते हैं, और कुछ नहीं। इस समय की हालत तो यही है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश जैसा एक राज्य है जहां बीजेपी की कोई सीट नहीं है, तो वहां भी लोग मोदी मोदी कह रहे हैं? नहीं, आंध्र प्रदेश में गया था विशाखापट्टनम में, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स का भी कार्यक्रम था, लगभग 1000 से अधिक इंटेलेक्चुअल्स थे, वहाँ की पब्लिक मीटिंग को भी मैंने एड्रेस किया था। अब मीटिंग को देखकर तो मैं कह सकता हूँ कि अनुकूलता है हम लोगों के लिए, लेकिन अच्छी खासी सीटों पर विजय हम लोगों को प्राप्त होगी, और इस बार TDP के साथ हमारा अलायंस हुआ है, टारगेट तो हमारा यही है कि सभी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हो, हमारे अलायंस को, हमारे गठबंधन को जो TDP के साथ है, कोशिश यही है। कामयाबी कितनी मिलती है वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। और तमिलनाडु आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में कई बार दौरा किया? इतनी बार तो रजत जी मेरी पक्की मान लीजिए, अप्रत्याशित चुनाव परिणाम तमिलनाडु में आने जा रहे हैं,
अप्रत्याशित, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जन सामान्य की धारणा है कि तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन जिस तरीके से वहां की डीएमके के अतिरिक्त अन्य पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन यानी सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिस तरीके का अलायंस बना है और जनता में जिस तरीके की हमारी गवर्नमेंट को लेकर, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर जैसी धारणा बनी है, कुछ भी हो सकता है तमिलनाडु में। अब कोई कहता कि इस समय के आप कम से कम 4-5 सीटें प्राप्त करेंगे, कोई कहता कि साहब 10-12 भी सीटें प्राप्त कर सकते हैं। वो तमिलनाडु जहां बड़ी मुश्किल से एकाध सीट कभी मिली थी, हाँ ना मिली थी, कन्याकुमारी की सीट हम जीतते रहे, लेकिन इस बार अप्रत्याशित चुनाव। राजा जी, जो हम तमिलनाडु की राजनीति देखते हैं अब तक, वो तो वो है जो सनातन धर्म के खिलाफ है, जहां लोग ये कहते हैं कि सनातन को मूल से नष्ट कर देना चाहिए डीएमके। कोई नहीं सकता, सनातन जो नित नूतन चिर पुरातन है वही सनातन है। वो तो समाप्त हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सनातन के बारे में लोगों की जो कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए वो नहीं है। अब बिहार का अगर उदाहरण लें, बिहार में आरजेडी, कांग्रेस सब दल ये मिलकर लड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन तो उनसे चुनौती नहीं दिखती है। लेकिन मुझे लगता है वो लोग निराश होंगे। निराश तो अभी हैं, क्योंकि बिहार में हम लोगों का टारगेट ये है कि 40 के 40 सीटों पर हमारी एनडीए को भी ये हासिल हो। बिहार में गठबंधन अच्छा बना था, लेकिन आखिरी मिनट पे आपने नीतीश कुमार से पलटी मरवा दी। नहीं, उन्होंने भी, नीतीश कुमार जी भी भले आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, और देखिए कोई उनके पलटी मारने के बारे में चाहे जो कुछ भी कहे, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी की अन्य मामलों में लोग आलोचना करें करें, लेकिन पूरे राजनीतिक जीवन में एक व्यक्ति भी उंगली उठाकर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। तो ऐसा व्यक्ति हमारे यहां आता है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। राजनाथ जी, ये क्यों हो रहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस राज्य में जाती है वहां का लीडर बीजेपी के साथ आ जाता है? करिश्मा है, करिश्मा, करिश्मा। बंगाल में गए तो ममता जी ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दिया, छोड़ दिया। बिहार गए तो नीतीश जी छोड़ गए। मैं तो और उनका दौरा करा दिया, भारत जोड़ो यात्रा। आपको नहीं लगता कि जो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली है, देश भर में घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, इसका राजनीतिक लाभ होगा चुनाव में कांग्रेस को? यदि लाभ होने वाला होता तो जहां जाते वहां के लोग फिर हमारे साथ आकर क्यों जुड़ जाते लीडर्स? ये तो आप ही करिश्मा करते हैं ना कि जहां जाएं वहां प्लान के मुताबिक एक दो लोग आ जाएं। नहीं, हम लोग करिश्मे के आधार पर जनता का समर्थन हासिल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि यथार्थ के धरातल पर कुछ करके हम जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। जनता में से एक दो सवाल ले सकते हैं अभी? हाँ। आपको क्या लगता है बीजेपी को इस चुनाव में भी राम मंदिर का फायदा मिलेगा या फिर अब इसका प्रभाव खत्म हो चुका है? मैं समझता हूँ राम मंदिर के मुद्दे को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए हमको। ये एक सांस्कृतिक मुद्दा है, ये आध्यात्मिक मुद्दा है। कभी भी राम मंदिर के मुद्दे को राजनीति के तराजू पर रखकर हम कभी नहीं तोलते। हाँ, आस्था है पर भगवान राम के प्रति हमारी, और हम लोग चाहते थे प्रारंभ से ही कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। आपने देखा कि 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई और भगवान राम अपनी कुटिया से निकलकर महल में आज प्रवेश कर चुके हैं, आ चुके हैं, राम राज्य प्रारंभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर अगला इल्जाम। हम लोग किसी के ऊपर आक्रमण आक्रमण करने वाले नहीं है। देखा होगा आपने, भारत का चरित्र है कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश के ऊपर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह है हमारा चरित्र। फोन हटा अपनों से खेल, सर्दी गर्मी बारिश में खेल, और चोर पुलिस इंस्पेक्टर जेल, खो खो लूडो छुप छुक रेल, छुक 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 रेल, दिल से खेलो फिर से सारे खेल।
पर ये खेल कभी ना खेल, मतलब अपने तेल से कभी ना खेल, वरना होगी सेहत फेल। सेहत को खिलवाड़ ना बनाए, पतंजलि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाए और सेहत पाए। दिल में आई एक शोख लहर सी, तेज हवा के बेफिक्र भंवर सी। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है, रखिए एमसील हमेशा। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल में एंजॉय करती हूँ, हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है, वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म हर रोज दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, 100 years ऑफ ट्रस्ट, अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले एसोसिएट स्पॉन्सर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल में एंजॉय करती हूँ, हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। वेलकम बैक, आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर आरोप है कि इनके राज में पड़ोसी आंखें दिखाते हैं। राजनाथ जी, पाकिस्तान में चुनाव हुआ, शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और पहली स्पीच में उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरियों का कत्ल हो रहा है, पूरी घाटी खून से सुर्ख है और हम अपना कश्मीर लेंगे। कश्मीर क्या ले पाएगा कोई, वो अपने पीओके की चिंता करें, पाक अक्फाइल कश्मीर की चिंता करें। और मैंने 1.5 साल पहले कहा था कि हम लोगों को किसी के ऊपर आक्रमण करके कुछ कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पाक ऑक्युपाइड ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं वहां पर कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग स्वयं यह मांग कर रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए। तो आपका प्लान बन चुका है? नहीं नहीं, कुछ इसके बारे में बोलूंगा नहीं, मैं बोलना भी नहीं चाहिए मुझे। हम लोग किसी के ऊपर आक्रमण आक्रमण करने वाले नहीं है। देखा होगा आपने, भारत का चरित्र है कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश के ऊपर ना तो कभी आक्रमण किया है और ना दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह है हमारा चरित्र। लेकिन यदि कोई यह कहे, भाई पीओके भी तो हमारा ही था और हमारा ही है, हम तो आज भी मानते हैं कि पीओके हमारा ही है,
लेकिन पार्लियामेंट में अधीर रंजन चौधरी आपसे कह रहे थे कि पीओके क्या लाओगे, वहां से एक अगर सेब ले आओ वही मान जाओ। उनको कहने दिए, मेरा विश्वास है कि पीओके स्वयं ही आएगा भारत के साथ। लेकिन रिपोर्ट मैंने देखी सीमा पर हलचल है, वहां पर हैवी ड्यूटी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए जा रहे हैं। कहां पर? पाकिस्तान वाली सीमा पर। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो होगा यदि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तो इस देश, हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर देशवासियों को पूरा भरोसा है। जब भी आवश्यकता पड़ी है उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है और भारत का मस्तक सदैव ऊंचा किया है। भविष्य में भी वो भारत का मस्तक ऊंचा करेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। नज़दीक से अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी, तीनों सर्विसेज के अधिकारियों और जवानों के करिश्मे को मैंने देखा है। और होम मिनिस्टर रहते हुए सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो भी रोल प्ले कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उनके भी करिश्मे को हमने देखा है। पहले हम लोग आश्वस्त हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं। पाकिस्तान की बात तो समझ में आती है, चीन से भी कोई खतरा नहीं है? अरे आएगा कोई खतरा, निपट लेंगे। ये कौन सी बड़ी चीन से खतरा होगा, हम सिर पर हाथ देकर बैठे रहे हैं, आएगा निपट लेंगे। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है रजत जी, भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत ने अब की वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों मिल गए हैं, एक हो गए, तो मिल जाए मिल जाए, उससे क्या? इसका मतलब कि दोनों लोग स्वीकार करने लगे हैं कि हम कमजोर हो गए। उनका आरोप यह है कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, हमारी चीन हमारे जवानों को पीट रहा है और भारत सरकार सोई हुई है। मुझे बेहद तकलीफ है कि हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम पर वो सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे उन्हें बचना चाहिए। भारत की कितनी जमीन पर 62 में चाइना ने कब्जा किया है, क्या क्या हरकतें की हैं, मैं उनकी सब याद नहीं दिलाना चाहता हूँ और कभी इसकी मैं चर्चा भी नहीं करता हूँ, कभी चर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, भारत की एक इंच जमीन भी हम लोग जाने नहीं देंगे, एक इंच जमीन भी आश्वस्त रहिए। बहुत 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 सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई उसका खुलासा तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि इस समय चाइना और भारत के बीच बातचीत चल रही है, ठीक तरीके से बात चल रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस समय बातचीत चल रही है, नहीं तो मैं और कुछ खुलासे कर देता। अगर उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया तो बातचीत किस बात की चल रही है? 19 बार बात हो चुकी, किस? अब मुझसे कहलवाइए मत आगे की बात, क्यों बात कर नहीं बोल सकता है। आप इसके बाद बैठेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मैं ये भी इल्जाम लगता है कि मामलों में हम बहुत खुलकर नहीं, डेप सॉन्ग है, हॉट स्प्रिंग है, गोगरा है, ये ऐसी जगह है जहां पर। बस इतना ही मैं कहूंगा कि इस बार भी जो कुछ भी चाइना के साथ हुआ है, हमारे देश की सेना के जवानों ने, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने, नेवी के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है उस पर मुझे गौरव की अनुभूति होती है, मैं गौरवान्वित हूं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, यदि देशवासियों को अवगत करा दिया जाए तो हमारे देश की सेना के प्रति हमारे देशवासियों का सम्मान और बढ़ जाएगा। देखिए गलवान में हमारे सैनिकों ने शौर्य दिखाया, पूरे देश ने देखा और पूरे देश ने उसको मान दिया, क्या उसके बाद चीन का रवैया बदला है? अब गलवान में भी देखा आपने, जो चाइना के साथ जो हमारी लड़ाई हुई थी, गोली नहीं चली, फिजिकली लड़े थे, शारीरिक रूप से चाइना के जवानों से लड़े थे, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन चाइना कितने जवान शहीद हुए थे मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी एजेंसियों ने यह कहा है 35-40, हम लोगों ने नहीं कहा, हम लोग तो एक्सेप्ट कर दिया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। माने उधर माने फॉरेन एजेंसी ने कहा है, शायद हमारे यहां तक मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी थी या कहां की एजेंसी थी, किसी एजेंसी ने दावा किया है कि हमने जो चाइना में जाकर इसको वेरीफाई किया है 35-40 चाइना के सेना के जवान शहीद हुए। रत्ना जी ये माना जाता है कि चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पे वो काफी बरसों से बना रहे हैं और वो काफी स्ट्रांग है और हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है, यह सच्चाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीमा के ऊपर
चाइना तेजी के साथ कर रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं, अब पहले लंबे समय से करता चला आ रहा है। पिछली जो सरकार थी हमारी कांग्रेस की सरकार, उस समय के डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना था कि भाई यदि हम भारत चाइना बॉर्डर पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो चाइना भारत में घुस आएगा, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मत करो। लेकिन जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, मोदी जी की जब से गवर्नमेंट आई है, तब से हम बॉर्डर के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। अब आप जाकर प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब एक सवाल चीन को लेकर बड़ा ज़रूरी है, जो राहुल गांधी कहते हैं और उनकी वजह से उनकी पार्टी के बाकी लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं। मोदी जी डरते हैं या तो सुनकर ही मुझे आश्चर्य होता, ये तो उनकी प्रकृति में नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है, कभी नहीं रहा है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और डरने का कोई कारण नहीं है जी, ये लोग समझते नहीं हैं। क्यों भारत के ताकत पर, भारत की सेनाओं के शौर्य पराक्रम पर क्यों सवालिया निशान लोग लगा रहे हैं? भारत के रक्षा मंत्री को यकीन है कि चीन कभी आंख दिखाए आक्रमण करने की हिमाकत करे तो हम उसको हैंडल करने की, ऐसे परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि ऐसी हरकत न करें। देखिए भारत का एक चरित्र रहा है, भारत का चरित्र रहा है कि भारत ने न तो दुनिया किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है, तो दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है, यह है भारत का चरित्र। लेकिन वैसे सच बात है, हमसे यदि कोई पूछे तो सारे पड़ोसियों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के स्वाभिमान की कीमत पर नहीं रजत जी, रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं लेकिन भारत के स्वाभिमान पर यदि चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत भी भारत में। लेकिन पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर हम रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अटल जी कहा करते थे, कहते थे ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, दोस्त बदल सकते हैं जीवन में लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलते हैं, इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए। या एक दो सवाल और ले सकते हैं लास्ट में। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि हम लोग अभी, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो फोर्थ नंबर पर है वर्ल्ड में, जो कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और हम वहाँ तक पहुँच गए, बट स्टिल आपको लगता है उसमें इम्प्रूवमेंट है, और आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि आने वाले 5 साल में, आई एम श्योर बीजेपी गवर्नमेंट आएगी 100% आएगी बिकॉज हम सब आपके साथ हैं, तालियां, तो 5 साल में और 10 साल आने वाले में हम डिफेंस में कितना और इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि हम वो थर्ड या सेकेंड स्टेज पर पहुंच पाए? भारत जो पहले जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर भारत था, आज हम दुनिया की टॉप 25 एक्सपोर्टर कंट्रीज में आकर खड़े हो गए हैं 10 वर्षों के अंदर। वैसे मैंने टारगेट जो मैंने तय किया है, हमारी कोशिश यह है कि 2028-29 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट जो आज 20,000 करोड़ है वह अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक पहुंच जाए, हमारी कोशिश यह है। पिछले 10 साल से आपकी रूलिंग पार्टी है और विकास भी दिख रहा है, बट इस चीज़ से आप कितना सहमत हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी के होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी का होना भी ज़रूरी है? हाँ, होना चाहिए, यह आवश्यक है, लेकिन उसमें हमारा कहाँ दोष है बेटा? हमारी पार्टी का क्या दोष है? अब ये तो उनको समझना चाहिए, हम चाहते हैं हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है। मतलब आप अग्री करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी भी होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन ओपोजिशन को तो आप जीने ही नहीं देते। वैसे सार्थक जीवन जीने की एक कला होती है, और मैं समझता हूं कि वह जीवन जीने की कला उन लोगों के पास नहीं है, शायद इसीलिए हालत बिगड़ती जा रही है। मोदी जी के बारे में कहते हैं ना तो खुद सोते हैं ना ओपोजिशन को सोने देते हैं। मैंने अपने मंत्रियों को भी नहीं सोने देते। तो एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज प्रदीप सिंह का फैसला आज के मुकदमे। मैम आर यू ओके? जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना है। मैम किसके साथ?
पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू का साथ। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है आंवला, रीठा, भृंगराज जैसी 16 जड़ी बूटियां जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपर फास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपर फास्ट खबरें। देश में आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। बहुत हुए वादे, बहुत हुए दावे, परखेंगे इरादे। 543 सीट, हर एंगल, हर इनसाइड, हर जोड़तोड़। किसकी जीत, किसकी हार, 4 जून अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, 100 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले एसोसिएट स्पॉन्सर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपर फास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपर फास्ट खबरें। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं किसान, अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ को हटाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर नहस नहस है। अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते दबाए। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी, आपकी आवाज। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर। हमने राजनाथ सिंह से पूछा पहली बार उनके जीवन के कुछ सीक्रेट्स के बारे में, रक्षा मंत्रालय के बारे में, विरोधी दलों के बारे में और केजरीवाल के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह के फैसले का। राजनाथ सिंह जी पिछले 50 साल से सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन में हैं। उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है जो देश के बहुत ही कम नेताओं में मिलेगी, और वो है सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा को बनाकर रखना। वो अपने बड़े से बड़े विरोधी की भी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, तो भाषा का संयम बनाकर रखते हैं। इस तरह के नेताओं की देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, जनता की नब्ज पर पकड़, और 2013 उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब उन्हीं की पार्टी के बहुत से नेता, बड़े नेता, जनता की नब्ज किधर है ये समझने में नाकाम रहे थे। तब उनको समझ में आ गया था कि देश नरेंद्र मोदी को चाहता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई, और वो उनके एक निर्णय से भाजपा की और पूरे देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। तो भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, देश के सभी दलों को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। ये अदालत राजनाथ सिंह जी को सारे आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। इस विश्वास के साथ, इस यकीन के साथ कि राजनाथ सिंह इसी तरह जनता की सेवा करते रहेंगे, देश का नाम रोशन करते रहेंगे,
इनके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, हमारी सेनाओं के शौर्य और मान की रक्षा करेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं, अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो आप देख रहे थे आपकी अदालत, आइए अब देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है, हेडलाइंस बताए उससे पहले ये बड़ी खबर जान लीजिए। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उम्मीदवार बना दिया है। बीएसपी से निष्कासित दानिश अली को अमरोहा से कांग्रेस ने टिकट दिया है। 46 उम्मीदवारों की सूची में यूपी से 9 नाम शामिल है। सहारनपुर से इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया है तो देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड में हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ती पी चिदम्बरम को टिकट दिया है और उसमें दिग्विजय सिंह का नाम सबसे अहम है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक और लिस्ट आने वाली है जिसके लिए बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है। बड़ी खबर की पूरी डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।